अस्सलाम वालेकुम, ऑब्जर्व टिप्स के चैनल में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने पिवट पॉइंट के मुताबिक काम किया होता तो आपने कितना प्रॉफिट किया होता, और अगर आपने नहीं किया या मेरी वीडियो को आप सीरियसली नहीं लेते तो आपने कितना लॉस किया होगा। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से डे वाइज कैंडल की ओपनिंग लो, क्लोज और हाई को देखकर कैलकुलेट कर लीजिएगा investing.com पर जाकर। ये यहाँ पे तमाम प्राइसेस मैंने फिलअप कर ली है, और उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद वे हमारे पास रेजिस्टेंस 1, 2, 3 और पिवट पॉइंट के मुताबिक, यानी कि हम ट्रेड किस तरह से लगा सकते हैं, किस किस प्राइस पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे है 1216 यानी कि 1.1216, और 10 से 15 पिप का ऊपर जो है अगर इतनी मूवमेंट होती है तो इतने की आप लॉट ओपन कर सकते हैं। अगर पिवट पॉइंट के मुताबिक आपने लगाई होती तो आपको प्रॉफिट कितना होता। मेटाट्रेडर 4 जो है वो ऑन करता हूं और आपको बताता हूं कि अगर इसके मुताबिक पिवट पॉइंट के मुताबिक अगर आपने लगाई होती तो आपको कितना प्रॉफिट होता। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे पिवट पॉइंट के मुताबिक लग रही थी सेल। अगर आपने किया होता तो मिनिमम जो है आप ये देख सकते हैं $5 से $6 अगर आपने 0.02 की लॉट ओपन की होती तो आप अर्न कर सकते थे। अगर मेरे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितने से ओपन करते हैं, $100, $200, और अगर आप लॉट साइज 0.05 लगाते हैं तो आप तकरीबन $10 से $15 अर्न कर सकते थे। किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर ऐसी कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आप सीखना चाहते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं छोटी से छोटी वीडियो में वो टॉपिक कंप्लीट करूं और आपको बता सकूं। अगर आप वाकई ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में सीखना चाहते हैं और IQ में बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि फॉरेक्स के रिलेटेड कोई अच्छा ब्रोकर मैं आप लोगों को बताऊं। और मुझसे ये भी सवाल पूछा गया था मैसेज कि आप IQ ऑप्शन की फिर से वीडियो बनाने लग गए हैं। तो मेरे ब्रदर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो IQ के ऊपर ही काम करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि जी हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, हमें तो बस 6 माह हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो हमें IQ के बारे में बताएं। और मेरी किसी भी वीडियो मैंने ये आपको कतन ही नहीं कहा कि आप फॉरेक्स को छोड़ के IQ में करो, या मैंने कभी ये कहा हो कि मैं IQ के ऊपर ही काम करता हूँ। मैंने ये ज़रूर कहा है कि IQ के ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लॉस करने के, लेकिन अब अगर कोई करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, इन्फॉर्मेशन पूछना चाहता है, तो मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूँ ना। ट्रेडिंग मैं खुद मेटाट्रेडर 4 में ही कर रहा हूँ, ब्रोकर में ही कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। वीडियो भी मेरी बहुत सारा ऐसी पड़ी हुई हैं जिसमें लाइव मैंने प्रॉफिट भी किया और आप लोगों के साथ शेयर भी किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी सवाल हो फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो किस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको कंप्लीट करूँगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट वो आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।